बहुत बढ़िया खुशुम, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था। सुप्रीम कोर्ट को हमने आप सभी को डिस्कस किया था 124 to 147 में। यस और नो, जल्दी से बताओ, हाँ या ना, ये करके दिखाओ तो जाने, जल्दी से बताओ। अब हम आज आपको जो बताने वाले हैं वो सीएजी और गवर्नर ऑफ स्टेट। सीएजी का मतलब क्या होता है? सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। गुड मॉर्निंग शिवेंदु जी, कशिश, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, सीएजी का मतलब क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए तो चलते हैं आर्टिकल नंबर 148 से 151 के बीच, अनुच्छेद नंबर 148 से 151 के बीच बताया गया है किसे, जल्दी से बताओ, किसे बताया गया है? तो आप सभी लोग कहेंगे बताया गया है सीएजी के बारे में। किसके बारे में? सीएजी के बारे में। अब सबसे पहला प्रश्न, एक तो आपसे आर्टिकल पूछ सकता है, दूसरा कि वर्तमान में एट प्रेजेंट सीएजी कौन है? एट प्रेजेंट सीएजी कौन है? इस बात को ध्यान रखिएगा, एट प्रेजेंट में जो सीएजी है उनका नाम क्या है? बोलो जल्दी से, क्या नाम है, कौन बताएगा? ग्रीस चंद मुर्मू, जिसे हम शॉर्ट में जीसी मुर्मू कहते हैं। बोलो जल्दी से, हाँ या ना। हाँ भाई, चंद्र लिख लो, ठीक, गिरीश चंद्र मुर्मू, बोलो भैया, जल्दी से बता दो, इतनी बात क्लियर, ये करके बताओ तो जाने, ये समझ में आया तो बताओ, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये ध्यान रखिएगा, ये वही व्यक्ति हैं जो जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बोलो भाई, बात क्लियर, पहले क्या थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। अब कहते हैं सीएजी के बारे में कुछ जानकारी जो खास बहुत है। कहते हैं कि इन्हें भाग किसमें बताया गया है, तो आप कहोगे भाग 5 में बताया गया है, क्योंकि भाग 5 में कहां से कहां तक डिस्कशन किया गया अनुच्छेदों का? राष्ट्रपति से शुरू है 52 से लेकर के और अनुच्छेद 151 तक। तो मतलब कहने का 148 से 151 जो होगा वो भाग 5 में ही तो आएगा। बोलो हाँ या ना। तो अगर कभी पूछे कि सीएजी के बारे में डिस्कशन किस पार्ट में किया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए कौन सा? 5 भाग, या भाग 5 में, वॉट एवर यू से। अब ये करता क्या है? करता ये है सीएजी, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑडिट के लिए। देखो इसके अपने नाम में है, ऑडिटर लिखा है ना इसके नाम में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर। तो ऑडिटर का मतलब क्या होता है? ऑडिट करना। ऑडिटर का मतलब क्या होता है? ऑडिट करना। ऑडिट किसका करेगा? ये यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, जो राज्य सरकारें हैं और जो केंद्र सरकारें हैं, सरकारें मत बोलो, केंद्र सरकार,
जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है, साथ ही साथ इनके अकाउंट्स की ऑडिट करेगा, ठीक। साथ ही साथ में जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं, या आप कह लो पब्लिक सेक्टर यूनिट की जगह पीएसयू कहते हैं, जैसे मैं कह दूं एनटीपीसी, गेल, सेल, बोलिए एमटीएनएल, बीएसएनएल, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में आते हैं सब। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, बोलिए भाई। ओएनजीसी हुआ, तो ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब सरकारी उपक्रम है, भारत सरकार के उपक्रम है। तो इन सभी के जो अकाउंट होते हैं उनको भी क्या करता है, ऑडिट करता है, और ये देखता है कि कितना भैया आय हुई और कितना व्यय हुआ, कितना सरकारी कंपनियों ने कमाया और कितना खर्च किया, इसके बारे में ये कार्य करता है। साथ ही साथ में राज्य सरकारों का भी बताता है ये, राज्य सरकारों ने कितना पैसा कहाँ से खर्च किया, कैसे खर्च किया। इनकी जब रिपोर्ट आती है तो 100 पन्ने की तो रिपोर्ट होती है कम से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्हीं की सिफारिश पर सीएजी की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति द्वारा ध्यान में रखा जाता है। लोक लेखा समिति क्या होती है, इसे कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, क्या कहते हैं इसे, पब्लिक अकाउंट कमेटी। कोई मुझे बता सकता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, एनीवन, कोई मुझे बता सकता है क्या कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं या कितने मेंबर होते हैं, टेल मी गाइस फास्ट। बताइए, धोखा कैसे काम चलेगा भाई, जल्दी से बोलो, पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 22 मतलब 22। अब ये 22 मेंबर आते कहाँ से, आपका प्रश्न ये होगा, ये 22 मेंबर जो आएंगे वो कुछ राज्यसभा से आते हैं, अब कितने राज्यसभा से आते हैं ये प्रश्न हो गया, आपके ये सब एग्जाम के प्रश्न हैं, लोकसभा से भी आते हैं, मतलब कहने का राज्यसभा और लोकसभा दोनों से मेंबर यहाँ पर आते हैं। लोकसभा से आने वाले सदस्यों की संख्या 7 है, सॉरी, राज्यसभा से आने वाले सदस्यों की संख्या 7 है और लोकसभा से आने वाले सदस्यों की संख्या 15 है। बात क्लियर हो गई, अब दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपको 22 मिल जाएगा। बोलो मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, जल्दी से बताओ। अब प्रश्न ये होता है कि सर हमें ये बता दीजिए कि लोक लेखा समिति, ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लोक लेखा समिति, इसका जो चेयरमैन होगा, इसका जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा, वो चेयरमैन होगा विपक्ष का नेता, अपोजिशन लीडर, अपोजिशन या अपोजिट दल का नेता कह सकते हो, अपोजिशन लीडर। कौन है बेटा, अपोजिशन लीडर। इस बात को आप ध्यान भी रखेंगे और इस बात को आप सभी लोग याद भी रखेंगे। बोलो भाई, कितनी बात क्लियर है, जल्दी से बताओ। जैसे अभी कौन है, तो अभी मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। जैसे आप कहें कि सर अभी कौन है, तो अभी ये मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं, ध्यान रखिएगा, मल्लिका जुन खड़गे, ठीक है, एक ब्लैक ब्यूटी आदमी, मोटा तगड़ा सा, देखा होगा आप लोगों ने कभी न्यूज में अगर सुना हो तो, ठीक है। आर्टिकल 148 कहता है कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति होगी जो कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इन्हें अपॉइंट कौन करता है, बोलो जल्दी से, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें क्या किया जाएगा बेटा, अपॉइंट किया जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर, जल्दी से बताओ, इतनी बात क्लियर है कि नहीं। अब आप सभी को एक बात पता होनी चाहिए, क्या बात पता होनी चाहिए, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताओ भाई कि 149 क्या कहता है, क्या इनकी ड्यूटीज हैं, क्या इनकी पावर्स हैं। अब ड्यूटीज में हमने आपको पहले ही बता दिया, क्या बताया कि भाई ये ऑडिट करते हैं, किसका ऑडिट कर रहे थे बोलो जल्दी से, ड्यूटीज में बताया ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के जो अकाउंट्स होंगे उनकी ऑडिट करेगा। साथ ही साथ में जो सरकारी संस्थान है, जो सरकार की कंपनियां हैं, सरकारी संगठन है, चाहे वो ONGC हो, चाहे वो NTPC हो, चाहे वो गेल हो, चाहे वो बेल हो, चाहे वो भेल हो, ठीक है ना, चाहे वो सेल हो, चाहे वो MTNL हो, बोलो भाई बात क्लियर है ना, चाहे वो आपका BPCL हो, चाहे वो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है सरकार के, एक तो है नहीं कि एक गिना दे, ये सब सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा। तो इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के जो अकाउंट्स होंगे उन्हें भी देखेगा। कैसे पता चलेगा, ऑडिट नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा कि सरकारी कंपनियां फायदे में चल रही हैं कि नुकसान में चल रही हैं, पता चलेगा बताइए आप, क्या इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर है, पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे ऑडिट होना बहुत आवश्यक होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, बताइए जल्दी से, इतनी बात क्लियर सभी बच्चों को, क्या जल्दी से बताएं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, वो प्रश्न क्या है, मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि सर ये बताइए, देखिए लिखा है ना, फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो ऑडिट करेगा, 151 के भी आप पे ऑडिट करेगा, दीज आर द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द कंपटोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब कहते हैं कि जो कंपटोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा, जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, तो इसके पास में ये राइट्स है कि एक रिपोर्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस की क्या बनाता है, रिपोर्ट बनाता है, कितना काम है सोचिए, अब आप रिपोर्ट बनाएगा और उस रिपोर्ट को ये सबमिट करेगा किसको बेटा, उस रिपोर्ट को ये सबमिट किसको करेगा, भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस रिपोर्ट को कहां रखेंगे, पुट इन द पार्लियामेंट। बोलो बात समझ में आई, ये सवाल आ चुका है आप सभी के एग्जाम में, क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन भी आप सभी को बता दे रहा हूं, निम्नलिखित में से CAG अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है या सबमिट करता है, वट एवर यू से, हालांकि प्रश्न में तो प्रस्तुतकर्ता शब्द यूज किया गया था, तो आप भी प्रस्तुतकर्ता शब्द यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अब अगर मैं यहां से बात करूं आप सभी बच्चों से, तो आप सभी को एक बात पता हो जानी चाहिए, वो क्या है वो भी देख लीजिए, कहते हैं क्या कहा गया है समझिएगा बड़े ध्यान से और जानने की कोशिश करिएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में लाई जाएगी और अब पार्लियामेंट में इसके ऊपर क्या होगा, डिस्कशन होगा, अपोजिशन भी तो बोलेगा कि तुमने कितना कमाया कितना खाया, है ना, तो जानते ही नेताओं का काम क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर क्या लगाना, बोलो जल्दी से, एक दूसरे के ऊपर क्या लगाना, पता ही नहीं, ब्लेम करना, आरोप प्रत्यारोप करना, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छे विदुषी, बहुत बढ़िया, इल्जाम लगाना, क्या बात है, एक से एक भयंकर शब्द आप लोग ढूंढ लेते हैं ना चलिए बहुत बढ़िया, अब मेरी बात सुनिएगा, सबके मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि सर इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका टर्म कितना होता है, इनका कार्यकाल क्या है। मैं आप सभी को शिवम भैया नमस्कार, बड़े लेट हो गए आज यार तुम, हैं दोस्त, देखो इनका कार्यकाल क्या होता है उसे समझने का प्रयास करिए, इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, विच कम्स अर्लियर, जो पहले पूरा हो जाए, विच कम्स
फर्स्ट कह सकते हो जो पहले पूरा हो जाए। और भारत में आप सभी लोग जानते हैं पहले क्या पूरा होगा, बताओ 6 वर्ष पहले पूरा होगा कि 65 वर्ष? भारत में पहले क्या पूरा होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष, बताइए। थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट। आप जानते हैं हमारे यहाँ लोग जब बुजुर्ग हो जाते हैं तब बनाए जाते हैं, 6 वर्ष कभी पहले पूरा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसा 65 वर्ष पहले पूरा होता है, क्योंकि बुजुर्ग होता है तब तो उसे बनाया जाता है, और वो फिर 65 वर्ष में हैप्पी बर्थडे टू यू कह जाता है, ठीक है, रिटायर हो जाता है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, आप सभी को चीजें समझ में आई, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चल आगे बढ़ता हूं मैं आप सभी के लिए जबरदस्त तरीके से, यहाँ पे एक और प्रश्न लेकर के, एक और पॉइंट लेकर के। सर इसका लीडर अपोजिशन लीडर होता है क्या? लीडर तो मैंने नहीं कहा विजय, इसका अध्यक्ष, किसका अध्यक्ष मैंने बोला था बताइए जल्दी से। ये देखो लिखा है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी। आगे चलकर के परेशान मत हो, मैं एक टॉपिक लेके आऊंगा जिसमें मैं पार्लियामेंट्री कमेटीज पढ़ाऊंगा आपको। क्या पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त? पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें मैं आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, और फिर इसके बाद में एक होती है कार्य मंत्रणा समिति, एक होती है नियम रूल 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 ऑफ प्रोसीजर कमेटी, एक होती है विशेषाधिकार कमेटी, है ना, एक होती है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित कमेटी, है ना, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित संयुक्त ज्वाइंट कमेटी होती है, उसके बारे में तो लगभग लगभग 10 कमेटियां बताऊंगा, ठीक है। हाँ, सैलरी बिल्कुल। हाँ देखो रोहित जी, इस बात से तो खैर मैं नाराज भी हो सकता हूँ, आपने सैलरी पूछी है, अच्छी बात है, लेकिन मैंने इनकी सैलरी बताई थी, आप लोग याद रखा करो, मैंने जब शेड्यूल 2 पढ़ाया था तो मैंने इनकी सैलरी बताई थी कि 2.5 लाख रुपए पर महीने होती है, हालांकि आप लोग याद नहीं रखते हैं, गलत बात है, ठीक है, इसलिए आप सभी लोग याद रखा करें, ठीक है रोहित जी। देखो याद नहीं रखोगे तो फिर एग्जाम में कैसे कर पाओगे, बात ये भी प्रश्न है ना बेटा, बोलो जल्दी से, ठीक है। हाँ बेटा, सीएजी की सैलरी 2.8 होती है यार, 2.8 होती है, सैलरी ऑफ सीएजी कितने लिखोगे? 2.5 लाख रुपीज पर मंथ, मुद्दा क्लियर? हाँ आप सीएजी नहीं कह सकते। हाँ देखो 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 देखो, हाँ बहुत बढ़िया, ये देखो अच्छी बात बताइए ऋषभा ने पूरी बात, कि सीएजी की 2. सीजेआई की सैलरी 2.8 होती है, और जो अदर जजेस होती हैं उनकी 2.5 लाख पर मंथ होती है, बहुत बढ़िया, इनकी अदर जजेस के बराबर होती है, ठीक है। आप इस जगह एक बात कह सकते थे, अगर कहना चाह रहे थे आप कह सकते थे सीजेएचसी के इक्वल होती है, जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसके बराबर होती है, बोलो बेटा क्लियर हुई बात? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताया करो भाई, बोलो 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 बोलो, शाबाश। चलिए 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 चलिए, ठीक है, बात इतनी क्लियर हो गई सभी को। सीएजी समझ में आ गया कि नहीं ये बताओ, सीएजी समझ में आ गया कि नहीं? सभी को आ गया है तो एक बार डन डना डन डन बताओ जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ गवर्नर की ओर। डन डना डन डन है सभी को, जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सब कंफर्मेशन दे देंगे सर ये हमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। चलो आ जाओ राज्यपाल पे, गवर्नर ऑफ स्टेट, क्या बेटा? गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य का राज्यपाल, समझिएगा बहुत अच्छे से, भाग 6 में बताया गया है, अनुच्छेद 152 से 162 में बताया गया है, सुनिएगा मेरी बात को गौर से। अब हमने आपको पार्ट 6 कहां से कहां तक बताया था याद करो, पार्ट 6 में हमने आर्टिकल 152 से 237 तक बताया था, जिसमें मैंने कहा था स्टेट होता है, और स्टेट में ही आपका राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आता है, मंत्री परिषद आती है राज्य की, और एडवोकेट जनरल आता है राज्य में,
और यहीं पर राज्य विधानसभा और विधान परिषद भी आते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया शिवेंदु जी, बहुत बढ़िया, क्या बात बोली है, बिल्कुल। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इंडिया है और इंडिया के अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी कुछ हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अलग अलग राज्य हैं, तो इन सभी राज्यों का क्या कहा गया है, इन सभी राज्यों का या इन सभी राज्यों में एक राज्यपाल होगा। कौन होगा बेटा? राज्यपाल होगा, या आप कह लें कि इन सभी राज्यों में, क्या लिखना चाह रहा हूं मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, मैं लिखना राज्यपाल गवर्नर चाह रहा हूं, लिख बार बार राज दे रहा हूं। ठीक है, इन सभी राज्यों में क्या होगा? गवर्नर ऑफ स्टेट होगा, गवर्नर ऑफ स्टेट होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये गवर्नर ऑफ स्टेट जो होगा बेटा, ठीक है, ये जो गवर्नर ऑफ स्टेट होगा, राज्य का जो राज्यपाल होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो राज्य के लिए या किसी भी स्टेट का जो है उसके लिए ये एक क्या होता है बोलो, संवैधानिक प्रमुख होता है, या आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है उस राज्य का, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है राज्य को। अगर आपने संविधान के अनुसार नहीं चलाया तो इसी के द्वारा, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा ही क्या कर दिया जाएगा, आपके राज्य में रिकमेंडेशन दे दिया जाएगा कि भाई ये सही से नहीं चल रहे हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ आपके यहाँ पे क्या लगा दिया जाएगा, जल्दी से बताओ क्या लगा दिया जाएगा? राष्ट्रपति शासन। जैसे आप लोग देख रहे हैं अभी अभी आप लोग देख रहे हैं पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, बताओ जल्दी से। अगर आप वेस्ट बंगाल देख रहे हो तो आपको वहां पे लग रहा होगा कि चीजें गलत हो रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा, ये मैंने भी न्यूज में देखा, उनके पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आए और उन्होंने चीजों को वहां पे क्लैरिफाई किया कि इट इज नॉट फेयर, इट इज नॉट गुड फॉर एनी एनी थिंग, है ना। बहुत बढ़िया शिवेंदु जी का, बहुत अच्छा यहाँ पर रिप्लाई करते हुए शिवेंदु जी, बहुत बढ़िया आंसर है मेरे दोस्त, अभी सब डिस्कस करेंगे, ठीक है, परेशान मत होइए। चलिए, तो सबसे पहले राज्य, राज्य के बारे में, राज्य को बताया गया है अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में, और यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे राज्य के अंदर हमें जो बातों को पढ़ना होगा वो कौन कौन सी होंगी उसे समझ लीजिए। जैसे आप सभी ने देखा था क्या देखा था आप सभी ने, आप सभी ने देखा था मेरे प्यारे दोस्तों, एक शब्द जैसे संसद देखा था, उसी तरीके से होता है स्टेट लेजिस्लेचर। क्या मैंने बोला? स्टेट लेजिस्लेचर, इसका मतलब होता है राज्य विधान मंडल। क्या मतलब होता है? राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल में कुल मिलाकर के तीन बॉडीज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहली बॉडी होती है गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य का राज्यपाल, जो कि आर्टिकल नंबर 152 टू 162 में डिस्कस करते हैं हम लोग। दूसरा है आपका लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, इसे कहते हैं राज्य विधान परिषद। क्या कहते हैं? राज्य विधान परिषद, आर्टिकल नंबर 169। अगला है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, इसे कहते हैं आर्टिकल नंबर 170 में रखा गया है। राज्य में एक स्टेट लेजिस्लेचर होगा, इसकी बात कही गई है आर्टिकल नंबर 168 में। किसमें कही गई है? 168 में। मतलब हमें स्टेट लेजिस्लेचर के बिहाफ पर इन कुछ चीजों को यहाँ पे अध्ययन करना होगा या स्टडी करनी होगी।
तब हम उन चीजों को समझ पाएंगे और जान पाएंगे। बोलो मेरे दोस्तों, इतनी बात सभी को क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बता दें। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है? ध्यान से सुनिए चीजों को, परेशान बिल्कुल मत होइए, हर एक बात बताई जाएगी। पर आप सोचे एकदम से सारी बातें हो जाएं, तो सारी बातें एकदम से नहीं हो सकती, ठीक है? हाँ, ध्यान रखिएगा। 153, आर्टिकल 153 कहता है गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, मतलब कहा गया है देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच एंड एवरी स्टेट। दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द अपॉइंटमेंट, क्या अपॉइंटमेंट कह रहा है मेरे दोस्तों? अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट। मतलब कहने का ये हुआ, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं समझिएगा, जैसे कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश की गवर्नर जो है उनका नाम था आनंदीबेन पटेल। बोलो हाँ या ना? क्या नाम था? आनंदीबेन पटेल। अब आनंदीबेन पटेल को क्या किया गया, वो उत्तर प्रदेश की तो गवर्नर थी ही थी, बोलो हाँ या ना? लेकिन उन्हें एक और राज्य का गवर्नर बना दिया गया। कौन से राज्य का बनाया गया था, कमेंट बॉक्स में बताएं। मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया कशिश। देखो एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? देखो लिखे होने से बात अलग है, पर एग्जाम्पल के साथ समझ में समझा दिया जाए तो बात बिल्कुल दिमाग में बैठ जाती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? मतलब एक गवर्नर कहाँ की थी, वो राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश का भी गवर्नर बना दिया गया। मतलब अब दो राज्य हो गए, ठीक है? अब मेरी बात सुनिएगा, अगर सरकार को आवश्यकता लगती तो किसी वो तीसरे राज्य का भी गवर्नर बना सकते थे। मतलब दो राज्य का भी बन सकता है, तीन राज्यों का भी बन सकता है, एक से अधिक राज्य का भी बन सकता है, एक राज्य का तो रहेगा। अब यहां आपके मन में तुरंत एक बात आनी चाहिए, सर आप हमें एक बात बताइए कि जैसे एक व्यक्ति दो लोगों के काम करेगा, भैया एक राज्यपाल एक राज्य का, तो एक राज्यपाल एक राज्य का, तो उसको सैलरी कितनी मिलेगी, एक राज्य की मिलेगी कि दो राज्य की? बोलो, एक राज्यपाल एक राज्य का, तो सैलरी कितने राज्य की मिलेगी, एक राज्य की दो राज्य की? हैं? एक राज्यपाल एक ही राज्य का राज्यपाल है तो एक की मिलेगी ना, बोलो हाँ या ना? लेकिन तो 3.5 लाख रुपीज पर मंथ मिलेगी। मेरी बात को सुनिएगा बड़े गौर से। मान लीजिए कि वो एक राज्यपाल का एक राज्य का तो है ही, और उसे दूसरे राज्य का भी बना दिया गया, अब उसे सैलरी कितनी मिलेगी, अब बताओ? अब उसे सैलरी कितनी मिलेगी, अब बताओ? ये करके दिखाओ तो जाने, जल्दी से बताओ। तो ये ध्यान रखिएगा, दो राज्य की नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आप कहोगे अरे तो धोखा हो गया, सुनिएगा। पहले जिस राज्य का वो राज्यपाल है वहां की उसे सैलरी पूरी मिलेगी, मतलब 3.5 लाख रुपए। जिस दूसरे राज्य का राज्यपाल उसे बनाया गया है, ठीक है, उस राज्य के राज्यपाल की उसे सैलरी अप टू 60% मिलेगी। इसका मतलब समझते हैं ना, अप टू 60% का मतलब वो 50% भी हो सकती है, वो 40 भी हो सकती है, और वो 10% भी हो सकती है, और वो मैक्सिमम 60% तक हो सकती है। ये कौन निर्धारित करेगा, कौन निर्धारित करेगा? ये भारत के कौन से पति, जल्दी से बोलो, राष्ट्रपति। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बताओ, ये बात क्लियर सभी बच्चों को? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो राज्य का राज्यपाल होता है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मैं कोरिलेट करा रहा हूं। जैसे मैंने कहा था कि देश की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, देश की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। तो आप सभी ने कहा था राष्ट्रपति होता है, बोलो हाँ या ना? बताया था ना आर्टिकल नंबर 54 53 में, नहीं हाँ 53 में ही तो बताया था, बिल्कुल कार्यपालिका का प्रमुख। उसी तरीके से राज्य की कार्यपालिका, जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख कौन होता है,
राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ। लेकिन ये भी राष्ट्रपति जैसा ही है, ये भी राष्ट्रपति जैसा ही है, मतलब ये नाम मात्र का है, क्योंकि काम कौन करता है, उस राज्य का मुख्यमंत्री प्लस उसकी काउंसिल, प्लस उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बोलो, ये समझ में आया सभी को? अब बात आती है आर्टिकल नंबर 155 की, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल को अपॉइंट किया जाता, मेरी बात को गौर से सुनिएगा याद करके, ऐसे अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति को कौन सुझाव देता है कि भाई इन्हें राज्यपाल बनाया जाए? सुझाव कौन देता है राष्ट्रपति को इस बात का? आपको पता होना चाहिए कौन देता है, जल्दी से बोलो, बोलो जल्दी से, सुझाव कौन देता है? भारत के प्रधानमंत्री। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखो तो सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सभी लोग बता देते हैं, सभी लोग कर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, राज्यपाल अपना पद, क्या मैंने शब्द बोला, राज्यपाल अपना पद कब धारण करता है, इस बात पे हम लोग काम करने वाले हैं। राज्यपाल अपना पद धारण करता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या मैंने बोला? राज्यपाल जो है वो अपना पद धारण करता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में कहते हैं प्रसाद पर्यंत। मतलब कहने का, राज्यपाल तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। क्या मैंने बोला? वैसे सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो होता है कितना, 5 वर्षों का। लेकिन राज्यपाल की अगर मैं बात कह रहा हूं तो गौर से सुनिए मेरे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, उनके दान स्वरूप, एक प्रसाद पर्यंत शब्द आता है, दान स्वरूप कह लीजिए, सद्भावना स्वरूप कह लीजिए, जब तक वो चाहेंगे तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। बोलो, मुद्दा क्लियर सभी बच्चों को? मुद्दा क्लियर सभी बच्चों को कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया, अब मैं एक और बात बताने वाला हूं जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। आई होप सो कि आपने वो बात शायद अभी तक ना भी सुनी हो। अब अगर मैं आपसे कहूं कि राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन होता है, हु इज द डेलीगेट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द स्टेट, तो वो कोई और नहीं होता, वो कौन होता है, जल्दी से बताओ। अरे यार शिवेंदु, अभी भी धोखा, मतलब अभी भी हम लिख रहे हैं, बता रहे हैं, तब भी धोखा, गलत बात है ना? चलो सॉरी बोलो, गलत लिख रहा हूं यहाँ पे, शाबाश। चलिए, पब्लिक नहीं होती मेरे भैया, पब्लिक नहीं होती यार, क्या कर रहे हो आप लोग आज। देखो, गवर्नर होता है, कौन होता है, गवर्नर। हमने सर्कल बना दिया तब भी धोखा यार, मतलब है अपने मन से लिख देते हो क्या, कुछ भी ऐसा नहीं है ना बेटा। देखो एक बात हमेशा समझो कि मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, मैं अपने मन से कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सकता नहीं हूं कि नहीं मैं अपने मन से बना दूं, बात समझ रहे ना, आपकी खुशी के लिए को हाँ ऐसा हो जाएगा, नहीं कह सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक, तो राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन, राज्यपाल। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 156 कहता है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होगा वो कितने समय का, तो आप सभी को पता होना चाहिए वो 5 वर्ष का। कितने का? 5 वर्ष का, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो अब कहते हैं क्वालिफिकेशन। ओ, राज्यपाल बनने की क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है, जल्दी से बताओ। कौन कौन बताता है देखता हूं मैं, कौन कौन बताएगा जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में मुझे, कौन कौन बताता है देखेंगे आज। 35 वर्ष की आयु, बहुत बढ़िया, शानदार। और बताइए, सिटीजन ऑफ इंडिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दो लोग, दो दो आगे। चलो और बताइए, तीसरी क्या होगी, तीसरी क्या होगी, बहुत अच्छे।
35 वर्ष की आयु, ठीक है ठीक है। आगे बताओ, और कुछ बताओ भाई, और कुछ भी बताना है और बताओ। वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, देखो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ हिज एज, आफ्टर दैट चाहे जितना हो, डज नॉट कंटेन एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, अगली बात, बहुत बढ़िया विदुषी, बहुत अच्छा लिखा है आपने कि जो राज्यपाल बनेगा वो स्टेट लेजिस्लेचर, शब्द क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर के, अब स्टेट लेजिस्लेचर में क्या आ गया, स्टेट लेजिस्लेचर में जो दो हाउस हैं, विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर नहीं होना चाहिए। बात क्लियर हुई कि नहीं? परिषद का मेंबर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, नहीं होना चाहिए। मुद्दा क्लियर है क्या? मुद्दा क्लियर है क्या? बोलो जल्दी से। बहुत अच्छे, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आगे बढ़ता हूं और आप सभी को अगली बातों को बताने का प्रयास करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। बोलो। अच्छा, आपके मन में एक बात और आ सकती है कि सर जैसे अब आप कह दें कि सर जैसे कई जगह तो राज्यपाल है, अब देश में है, पर सर कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां राज्यपाल नहीं है, तो आप सभी को पता है कि जहां राज्यपाल नहीं है वहां पर उपराज्यपाल है, जैसे दिल्ली हो गया, जैसे पुदुचेरी हो गया, और क्या हो गया बेटा, अंडमान एंड निकोबार हो गया, हाँ बेटा, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, जैसे लद्दाख हो गया। बोलो जल्दी से, बात क्लियर सभी बच्चों को? बोलो भाई, ऋषिबा तो मान लो वहीं की है, जम्मू की है शायद, क्यों ऋषिबा जी, तो अच्छे से समझ पा रही होंगी ये। हाँ मैं विचार कर रहा हूं एक बार जम्मू कश्मीर घूमने का, हालांकि मैं गया हूं इससे पहले भी, कैसा रहेगा, ठीक है ना, जल्दी से बताओ। आप सब लोग भी चलिए, माता रानी के दर्शन करके आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं अगले पॉइंट को। हाँ क्या बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, उस प्रश्न पर हम बढ़ रहे हैं, बस थोड़ा देर रुक जाइए, थोड़ी सी देर रुक जाइए और आपको उस प्रश्न पर लेके हम खड़ा करें, ठीक है, थोड़ी सी देर, जल्दबाजी में कोई काम नहीं, आराम आराम से गा गा करके काम करते हैं, ठीक है, थोड़ा सस्पेंस बरकरार रहना चाहिए, शिवेंदु ठीक है। चलिए देखिए मेरी बात को, 159 कहता है राज्यपाल की शपथ, अब राज्यपाल को ओथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को ओथ कौन दिलाता है, जल्दी से बताओ, राज्यपाल या गवर्नर को ओथ कौन दिलाएगा, अभी तक आंसर नहीं आया और जो आया वो गलत आया, अभी भी आंसर गलत आ रहा है। अभिषेक पाल, बहुत शानदार, बहुत अच्छे बेटा, बहुत मारे जाओगे अब तुम भी, सुप्रीम कोर्ट क्यों जोड़ दिया, हाँ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक, कहाँ का, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अब मान लो आप कह दो सर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है ही नहीं, तब
आप कह दो सर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है ही नहीं तब, तो ये ध्यान रखिएगा हाई कोर्ट का या उस हाई कोर्ट का जो मोस्ट सीनियर जज होगा वो शपथ दिलाएगा। कौन दिलाएगा? उस हाई कोर्ट का मोस्ट सीनियर जज जो होगा वो शपथ दिलाएगा। किसकी अनुपस्थिति में? इनकी अनुपस्थिति में या एब्सेंट? बोलो मुद्दा क्लियर, जल्दी से बोलो हाँ या ना। अच्छा अब अगली बात सुनिए, डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कॉन्टीजेंसी, कुछ आकस्मिकताओं में अचानक कुछ अगर घटना घट जाती है तो ऐसी स्थितियों में राज्यपाल की कृत्यों का निर्वहन है। क्या है? राज्यपाल की जो कार्य हैं उनको किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 161 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे अच्छा सर इतना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट। राज्यपाल को पार्डन मिला हुआ है, मतलब कहने का राज्यपाल को क्षमादान शक्ति प्राप्त है। शिवेंदु हम लोग पहुंच रहे हैं वहां पर जहां आप बात कर रहे थे मेरे दोस्त, ठीक है हम लोग बस पहुंच गए हैं, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। राज्यपाल के पास क्षमादान शक्ति है, वो किसी भी व्यक्ति की सजा को, सुनिएगा मेरी बात को, सजा को कम कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, लेकिन लेकिन मृत्यु दंड में वो किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई या क्षमादान नहीं दे सकता। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब मृत्यु दंड को छोड़ करके, मृत्यु दंड को छोड़ करके। बोलो मेरे दोस्त बात क्लियर, जल्दी से बोलो। क्या बात है, यही जुडिशियल पावर है इसकी। बिल्कुल आकांक्षा, ये सिर्फ जो मृत्यु दंड वाला है ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा, राज्यपाल के पास कुछ शक्तियां हैं। क्या मैंने शब्द बोला? नहीं, प्रूफ नहीं होता है इसका, इसके लिए सुझाव दिया जाता है, जो जेल का जेलर होता है वो सुझाव देता है। सारी बता रहे हैं बेटा, सारी बता रहे हैं, ठीक है। वो सुझाव देता है, फिर वो सुझाव राज्यपाल तक पहुंचता है किसी कैदी का, फिर इसके बाद आगे कार्यवाही होती है, ठीक है। शिवेंदु जी और या अभिषेक पाल, बात क्लियर हो गई भैया? अब हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन है पावर ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट या स्टेट्स, राज्य के राज्यपालों की शक्तियां। क्या शब्द बोला गया है? राज्य के राज्यपालों की शक्तियां। तो क्या है राज्य के राज्यपालों की शक्तियां? पहली शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका की शक्ति। दूसरी लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्ति, विधायी शक्ति। अरे यार ऐसे मत बोला करो शिवेंदु। तीसरी फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्ति। चौथी जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्ति। ये सिर्फ और सिर्फ चार पावर होती हैं राज्य के राज्यपाल के पास में। ना तो उनके पास कोई डिप्लोमेटिक पावर होती है,
ना ही उनके पास में किसी प्रकार की एमरजेंसी पावर होती है, ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी, जल्दी से बोलो, ना ही उनके पास में कोई डिप्लोमेटिक पावर है, ना ही एमरजेंसी पावर है, ध्यान रखिएगा। आप एक और पावर यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिसे कहा जाता है ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। हालांकि ऑर्डिनेंस पावर जो है वो अंडर लेजिस्लेटिव पावर ही आती है, पर इसे चाहो तो आप अलग से लिख सकते हो। ना ही राज्यपाल के पास में मिलिट्री पावर होती, इस बात को ध्यान रखिएगा, ना ही डिप्लोमेटिक है, ना ही मिलिट्री है और ना ही एमरजेंसी है। मतलब राष्ट्रपति की जो 8 शक्तियां थी, उन 8 शक्तियों में राज्यपाल के पास में 5 शक्तियां सेम है और 3 शक्तियां नहीं है। कौन कौन सी नहीं है? एमरजेंसी, डिप्लोमेटिक और बेटा मिलिट्री, ठीक है। अच्छा बेटा, इसे कहते हैं कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका, इसे कहते हैं विधायी शक्ति, लिख लोगे ना, बोलो मेरे दोस्त विजय, शक्ति तो लिख लोगे, चलो ठीक है। वित्तीय शक्ति, इसे कहते हैं न्यायिक शक्ति, इसे कहते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। नहीं 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 शिवेंदु, गलत बात, 165 में बेटा एडवोकेट जनरल का प्रोविजन है, ठीक है, जिसे आप महाअधिवक्ता के नाम से जानते हैं, अभी वो अलग है, ठीक है। ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वो राज्य सरकार का प्रथम विद अधिकारी होता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, जल्दी से बताओ। अब इन बातों को थोड़ा कॉमनली समझ लो। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या होता है? राज्यपाल जो है उसका जो मुख्य सलाहकार होता है, राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है वो मुख्यमंत्री प्लस उसकी काउंसिल होती है। कौन होती है? मुख्यमंत्री प्लस उसकी काउंसिल होती है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार, और इन सभी की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, राज्यपाल के द्वारा ही इन सभी की नियुक्ति होती है। देखो पहले तो मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर उनकी जो मंत्री होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है। देखा होगा आप लोगों ने योगी जी का शपथ समारोह देखा था क्या? बहुत भव्य किया गया था। दूसरी बात कि राज्यपाल जो है उसके पास वो नाम मात्र का कार्यपालिका की शक्ति उसके पास है। हाँ ये कहते हैं कि राज्यपाल प्रमुख है लेकिन कार्यकर्ता कौन है? तो मुख्यमंत्री करता है, उसकी मंत्रिपरिषद करती है। ये बात क्लियर हुआ? जल्दी से बोलो। आप समझिएगा एग्जीक्यूटिव पावर के ही अंतर्गत कहते हैं राज्यों में जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष, उनके सदस्यों और साथ ही साथ में जो एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता होता है उन सभी की नियुक्ति कौन करते हैं? बोलो राज्यपाल करते हैं। गवर्नर किसकी किसकी नियुक्ति करता है जल्दी से बताओ? जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनके जो चेयरमैन हैं, उनके जो मेंबर हैं, उन सभी की नियुक्ति करता है। इस बात को ध्यान रखोगे किसकी बेटा? चेयरमैन प्लस मेंबर्स, मुद्दा क्लियर। इसी तरीके से जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल ही तो करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। बोलो जल्दी से हाँ या ना। साथ ही साथ में मैं बता दूं राज्यों में जो विश्वविद्यालय होते हैं, राज्यों में जो विश्वविद्यालय होते हैं उन विश्वविद्यालयों में जो कुलपति बनते हैं जिन्हें आप चांसलर कहते हो, इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से लिख दो, वो नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? और मैं बता दूं कि राज्यों के सभी जितने भी विश्वविद्यालय हैं का जो कुलपति होने के नाते सभी विश्वविद्यालयों के, मतलब कहने का जो राज्यपाल है वो राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनका स्वयं चांसलर माना जाता है।
या कुल बोलते हैं कुलाधिपति, क्या बोलते हैं कुलाधिपति, कुलाधिपति है ना, ये सुप्रीम चांसलर कहते हैं इन्हें, कुलाधिपति। तो सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होने के नाते राज्यपाल क्या करता है, सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों या चांसलर की नियुक्ति करता है। ये बात समझ में आई, ये एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत ही। बोलो मेरे दोस्त। अच्छा, लेजिस्लेटिव पावर में क्या आता है, लेजिस्लेटिव पावर में ये आता है कि इनके पास में ही शक्ति है कि ये चाहे तो समय से पहले या समय पर विधानसभा को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं या भंग कर सकते हैं। डिसॉल्व लिख लीजिए या भंग कर सकते हैं। बोलो भैया, बात क्लियर? बिल्कुल, डिसॉल्व या भंग कर सकते हैं। और जब विधानसभा का पहला अधिवेशन होगा, जैसे नई विधानसभा बनी उसका पहला अधिवेशन होगा, तो पहला जो स्पीच होगा वो किसी और का नहीं होगा, वो राज्यपाल का ही होगा। बिल्कुल क्लियर है सर? CCS यूनिवर्सिटी है, इसका कुलपति स्टेट गवर्नर अपॉइंट करेगा। हाँ बेटा, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चौधरी चरण सिंह की बात कर रहे हैं लगता मुझे आप, मेरठ वाली यूनिवर्सिटी, क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ विजय, ठीक है। हाँ तो कोई भी यूनिवर्सिटी हो जो उत्तर प्रदेश की होगी वो वही करेंगे, ठीक है। प्रदेश से प्रदेश, प्रदेश वाइज प्रदेश होता ना, स्टेट वाइज स्टेट। दूसरा क्या आता है लेजिस्लेटिव पावर में, 1/6 मेंबर जो अपॉइंट नॉमिनेट होते हैं, 1/6 मेंबर जो नॉमिनेट होते हैं विधान परिषद में, वो राज्यपाल करेगा। ये बात को ध्यान रखिए, दो पॉइंट आपको याद रखने होंगे, कहां, लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत, ठीक। अब अगला पॉइंट समझ लीजिए, अगला है फाइनेंशियल पावर। कौन सी पावर है? फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर के अंतर्गत आप सभी को पता होना चाहिए कि जैसे बजट आता है तो बजट राज्यपाल की कहीं ना कहीं अनुमति के द्वारा ही तो आता है बजट। बजट क्या है? मनी बिल है एक तरीके का। बोलो जल्दी से। इसी तरीके से आपको मैं एक और बात बता दूं, राज्य में जो मनी बिल आते हैं, जो धन विधेयक आते हैं, वो राज्यपाल की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किए जाते हैं। क्या मैंने कहा? राज्य में जो मनी बिल आते हैं वो राज्यपाल की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किए जाते हैं, ये दूसरा पॉइंट कह सकते हैं आप। तीसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे आपको मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के पास में कॉन्टीजेंसी फंड होता है, आकस्मिक निधि, कॉन्टीजेंसी फंड होता है, उसी ठीक तरीके से राज्य के राज्यपाल के पास भी एक आकस्मिक निधि होती है, और आकस्मिक निधि का जो कर्ता धरता है, मैं समझा नहीं, मैं ये बात नहीं समझा भैया, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है मेरठ में, ये बात सही है विजय? मैं आपका स्टेटमेंट ये समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ चलिए, अब मैं आपको बताऊं तो कॉन्टीजेंसी फंड का कर्ता धर्ता कौन होता है? राज्य का राज्यपाल। जिस तरीके से कॉन्टीजेंसी फंड का देश की कॉन्टीजेंसी फंड का कर्ता धर्ता कौन होता है? बोलो राष्ट्रपति। उसी तरीके से यहां पर राज्य के कॉन्टीजेंसी फंड का कर्ता धर्ता कौन होता है? राज्यपाल। अब बात आती है न्यायिक शक्ति के अंतर्गत। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आप सभी लोग याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे, जो जो भी, मेरी बात सुनिएगा, जो भी हाई कोर्ट के, शिवेंदु बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, बताएंगे इसको भी, बता देंगे, अभी तो बताया ही था इसके बारे में, ठीक है, अभी और बता देंगे, बिल्कुल परेशान मत हुई, पर्डन तो देता ही है बेटा, इसके अलावा भी कुछ है। जैसे आप सभी लोगों ने सुना होगा सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिला अदालत हैं, बोलो ये सुने हैं कि नहीं सुने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, और फौजदारी अदालतें, दीवानी अदालतें, इस तरीके के जो कोर्ट होते हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं, यहाँ पर जो जजेस होते हैं, उन जजेस की जो नियुक्ति या अपॉइंटमेंट होता है वो राज्य के राज्यपाल ही करते हैं। कौन करते हैं? राज्य के राज्यपाल। ये बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताओ। पार्डन तो ठीक है, आपको पता था, फिर दूसरा बात लिख लो, अभी अभी बताया आप सभी को आर्टिकल नंबर 161 में कि राज्यपाल के पास में पार्डन पावर है।
पार्डन पावर का मतलब है क्षमादान शक्ति, वो किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, पनिशमेंट को माफ कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड पर वो किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। ये मैंने आप सभी को बताया, बोलो जल्दी से हाँ या ना, जल्दी से बताएं हाँ या ना। चलिए अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने सुना होगा राज्य में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? आपने सुना होगा हाई कोर्ट होते हैं राज्यों में, बोलो होते हैं कि नहीं होते? तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, जल्दी से बताओ? राज्य के राज्यपालों का अपॉइंटमेंट, सॉरी राज्य में जो हाई कोर्ट होता है उनके जजों का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो आप कहेंगे प्रेसिडेंट करता है, लेकिन जब अपॉइंटमेंट होता है उस टाइम पर उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन, ये भाई साहब, तो भैया पूछा तो जाएगा ना प्रतिनिधि से कि क्या ये सही है या गलत है, ये कैसा व्यक्ति है या कैसा नहीं है, बोलो जल्दी से यस और नो, जल्दी से बताओ हाँ या ना, जल्दी से बोलो यस और नो, क्लियर बात, जल्दी से बताओ, इतनी बात समझ में आई? डन डना डन डन है सभी को, जल्दी से बोलो डन डना डन डन है, सभी लोग बता देंगे एक बार, डन डना डन, 20-22 लोग हैं क्लास में, जल्दी से बताएं। जनसंख्या क्लास जैसे खत्म होने को आती है सो वैसे ही जनसंख्या घटने लगती है, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा और ध्यान रखिएगा। अब रहा अध्यादेश पावर, अध्यादेश शक्ति, ये अनुच्छेद नंबर 213 के अंतर्गत, अनुच्छेद नंबर 213 के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक, लेकिन अध्यादेश तब जारी होगा जब कोई सत्र नहीं चल रहा होगा, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद, विधानसभा या विधान परिषद का सत्र ना चल रहा हो, ऐसी स्थितियों में अध्यादेश जारी किया जा सकता है, किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा, बोलो भाई क्लियर हो गई सभी को बात, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका मतलब क्या होता है? अरे मेरे भैया, अध्यादेश का मतलब होता है एक स्पेशल टाइप का ऑर्डर, बिल्कुल स्पेशल टाइप का ऑर्डर है ये, ठीक है, हाँ चलिए सभी को बात क्लियर हो गई, आई होप सो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे क्लियर ना हुआ हो। अध्यादेश अगर तुम यहां पूछ रहे हो बेटा तो अध्यादेश फिर तुम्हें वहां समझ में नहीं आया होगा जब राष्ट्रपति पढ़ाया था, गा गा के बताया था, चिल्ला चिल्ला के बताया था, नाच नाच के बताया था, अब बताओ जब नहीं समझ में आया वहां तो यहाँ कैसे आएगा, फिर तो धोखा है ना। चलो एक बार मैं रिकॉल तब भी कर दे रहा हूं कि किसी ऐसे सब्जेक्ट को राज्यपाल के द्वारा लाया जाता है कि क्यों लाया जाता है, कि उसे ये लग रहा हो कि अगर ये विषय नहीं लाए तो जो राज्य की जनता है, जो राज्य की आम जनता है, आम लोग हैं, उनका एकदम नुकसान हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे, मतलब ये नैतिकता एक मोरलिटी के आधार पर लाया जाता है, बात समझ रहे हैं, किसके आधार पर? मोरलिटी के आधार पर। और मैंने आपसे कहा था अध्यादेश पास होने में मैक्सिमम जो टाइम लगता है वो 6 महीने प्लस 6 सप्ताह का लगता है, क्यों कहा था? क्योंकि अगर राज्य में कोई सत्र नहीं चल रहा है तो मैंने आपको यहां याद दिलाया था कि सत्र, एक वर्ष में 2 सत्र या 2 बैठकें तो होंगी ही होंगी, जिनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होगा, बोलो बताया था कि नहीं बताया, याद करो जल्दी बताओ भाई। सर प्रेजेंट नहीं थे, अच्छा धोखा था ना, प्रेजेंट नहीं थे, रिकॉर्डेड सुनो यार, मतलब एकदम एक्सक्यूज तुरंत रखते हो, सर मैं आया नहीं था उस दिन, तो
तो भाई मेरे रिकॉर्डेड होगा, उसको सुनो ठीक है एक बार। चलो फिर मुलाकात अगली क्लास में करते हैं, आज का सेवाएं समाप्त रहेंगी भाई, ठीक है अगली क्लास भी है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है ऑन टाइम 12:30 ऑन सफलता.com यूट्यूब चैनल, वहां मुलाकात होगी यूट्यूब पर। आज हम बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं विच आर रिलेटेड टू समथिंग स्पेशल, ठीक है। सो वहां डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।